हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माँ तारा। मैं हूँ तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल तंत्र मंत्र टोने टोटके में हार्दिक स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। माता भगवती की कृपा आप सभी पर बना रहे, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। आज के शीर्षक है रस मलाई से करे वशीकरण। आप सभी जानते हैं कि रस मलाई बहुत ही स्वादिष्ट और उत्तम क्वालिटी की मिष्टान्न है, ये सभी को पसंद है। भेज नॉन भेज जो भी सेवन करते हैं, भेज नॉन भेज जो भी खाने वाला व्यक्ति है, सभी के लिए रस मलाई जो है वो बहुत ही पसंदीदा आइटम है। तो इसे आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी मैं आज विवरण आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग की सब्सक्राइब बटन होगा, उसे आप जरूर दबा दें। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रसमलाई से करें वशीकरण वो कैसे होगा। आप देखते होंगे कि आपके घर में आपका कन्या या आपकी बहन का विवाह के लिए लोग आते हैं। देखा सुनी करने के बाद, नाश्ता पानी करने के बाद अपने घर पहुंच करके आपको मना कर देते हैं कि मुझे उस घर में शादी नहीं करना है। तो ऐसी हालत में आप कैसे उनको वशीकरण कर सकते हैं रस मलाई के द्वारा। आप अपनी ऑफिस के बॉस को कैसे वशीकरण कर सकते हैं, आप अपनी मालिक को कैसे वशीकरण करते सकते हैं, आप अपने नौकर चाकर को कैसे वशीकरण कर सकते हैं। तो ये रसमलाई के द्वारा आप किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं, इसकी मैं आज आपको उपाय बताने जा रहा हूं और एक मंत्र तंत्र और टोने टोटके इस टाइप के चीज को बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम आप 7 पीस लौंग, लौंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, फूल वाला होना चाहिए, 7 पीस इलायची और 7 पीस पिस्ता बादाम आपको हरा कलर के होते हैं, तो 7 पीस पिस्ता बादाम, 7 पीस लौंग और 7 पीस इलायची, ये तीनों चीज को आप किसी भी चांदी कांसा या तांबे का कोई भी कटोरी या थाली में आप इसको रख लीजिएगा। और रखने के बाद शुक्रवार के दिन में आपका दाहिने हाथ का तर्जनी उंगली का, जो तर्जनी उंगली होता है वो तर्जनी उंगली यानी कनिष्ठ उंगली के बगल में और मिडिल फिंगर के बगल में जो आपको अनामिका उंगली होती है, उस अनामिका उंगली से ही 2-4 बूंद खून आपको निकाल करके लौंग इलायची और पिस्ता बादाम में डाल देना है। ये काम आपको शुक्रवार के दिन करना है और उसे डाल करके स्नान ध्यान करने के बाद और नए वस्त्र का धारण करके आप अपने पूजा स्थान में माता भगवती के सामने बैठ करके ये मंत्र का आप जाप कीजिएगा। ओम ह्रीं आदि पुरुषाय सर्वजनस्य मम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आदि पुरुषाय सर्वजनस्य मम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 7 माला आप जाप कीजिएगा, यानी 1 माला
108 दाने का होता है, उसे आपको 7 माला जाप करना है और वो स्फटिक की माला से करना है। सादा स्फटिक माला आपको पहले से ही प्राप्त कर लीजिएगा, उसी माला से इस मंत्र को जाप करना है। मंत्र जाप करने के दरमियान आप उस माला को किसी भी लाल वस्त्र से झांप करके मतलब ढक करके इस मंत्र को जाप कीजिएगा, और जाप करने के बाद ये सारे सामग्री को किसी भी लाल कपड़े में बांध लीजिएगा, और बांध करके आप शरीर की ऐसी कोई अंग में रखिए, ऐसी कोई जगह में रखिए जो कि सारे चीज जो है कि पसीना से भीग जाए, और पसीना से भीग जाने के बाद ये सारे सामग्री को उसको खल में चाहे मिक्सी में कूट करके आप पाउडर बना के रख लीजिएगा। और जब भी आपके घर में जिसे भी आपको बस में करना है, चाहे आपके कुटुंब को बस करना है, बॉस को बस करना है, मालिक को बस करना है, या नौकर चाकर को बस करना है, जिसे भी बस करना है, ये जो पाउडर जो बना कर रखे थे लौंग इलायची और पिस्ता बादाम, जिसमें खून से सन करके जो रखे थे और जो मंत्र अभिष्ट करके रखे थे, वो पोटली को जो इसमें आप कपड़ा में बांध कर रखे थे, उस पोटली को से निकाल के जो पाउडर बना कर रखिएगा, तो वो जो पाउडर जो है एक चुटकी पाउडर किसी भी रसमलाई में, तो आपको उसमें दूध से साथ में रसमलाई रहता है, उसी में मिला करके किसी को भी खिला देने से ही वो आपका तीव्र वशीकरण हो जाएगा, और क्षणिक 5 मिनट भी नहीं लगेगा वो आपकी बस में हो जाएगा, और आप जैसा बोलिएगा वैसा ही वो काम करेंगे। यही मैं जो है आपके बीच में विशेष संदेश दिया हूँ, इसे जरूर अजमाए और इसे जरूर प्रयोग करें। लेकिन मैं आप लोग से एक विनती करना चाहता हूँ कि इसे आप गलत प्रयोग ना करें और सही काम में और सही जगह इसे प्रयोग करें, ताकि आपको लाभ मिले। और गलत प्रयोग अगर करते हैं तो इसकी परिणाम भी आपको गलत होगा, इसे आप ध्यान में रखते हुए इस काम को करें। यही मैं कामना के साथ और मंगल काव्य के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।